अक्षय कुमार का कुछ भी नहीं हो सकता। लोगों का खास करके उनकी फैन का ये उम्मीद थी कि शायद नेक्स्ट ईयर में उनकी कमबैक हो सकती, लेकिन अब जब उनकी लाइनअप का पूरा पता चल गया है, आज ही एक मूवी का अभी अनाउंस हुआ गया 2025 में कौन कौन सी मूवी कौन कौन सी डेट पे आ रही है, तो इसके साफ हो जाता है कि पहले 6 महीने में उनके 4 मूवी आ रहे हैं। सोचिए पहले 6 मंथ में उनकी 4 मूवी आ रही है, मतलब कई मूवी ऐसा है कि बिटवीन 30 डेज उनका मूवी रिलीज आ रही है, यानी 28 डेज में उनका और एक मूवी आ रही है। इस प्रकार का उनका लाइनअप है, बिल्कुल भी वो बाज नहीं आ गए। लगातार उनकी 8 मूवी लगातार फ्लॉप हो रही है, लेकिन फिर भी वो खुद को चेंज करने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं कर रहे। उनका पहला मूवी 2025 में रिलीज हो रही है 26 जनवरी को स्काई फोर्स, और इसके ही बिल्कुल 26 जनवरी से 26 फरवरी 1 महीने और उसके कुछ दिन बाद यानी 14 मार्च को होली के दिन उनकी श्री शंकर नारायण का बायोपिक मूवी रिलीज हो रही है, जिसकी अभी तक टाइटल डिसाइड नहीं हुआ है। इसको डायरेक्ट कर रहा है करण सिंह त्यागी और इसको प्रोड्यूस कर रहा है करण जौहर। इसमें है अक्षय कुमार, आर माधवन और अनन्ना पांडे, जो इस मूवी में एक वकील का रोल प्ले कर रही है। तो सोचिए 26 जनवरी से सेकेंड मूवी है 14 मार्च, और थर्ड मूवी है, तो आप लोग सुन के चौंक जाओगे कि थर्ड मूवी है उनका जॉली LLB 3, और ये मूवी रिलीज हो रही है 11 अप्रैल रामनवमी के दिन, यानी 14 मार्च से 11 अप्रैल 30 डेज की भी कम है, यानी 28 डेज है, और 28 डेज के भीतर उनका और एक मूवी रिलीज हो रही है। जो इस मूवी में मुझे खास करके उम्मीद थी कि इस मूवी के द्वारा कि वो शायद कमबैक कर जाएंगे, क्योंकि एक फ्रेंचाइजी मूवी, अब फ्रेंचाइजी मूवी बिल्कुल अच्छा चल रही है, स्त्री 2 में देखा, गदर 2, तो मुझे लगा था कि शायद इस मूवी से उनका कमबैक पॉसिबल होगा, लेकिन अब मैं पक्का हो चुका हूँ कि ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं। और उनका फोर्थ मूवी हाउसफुल 5 रिलीज हो रही है 6 जून बकरीद के दिन, यानी 11 अप्रैल से 6 जून को लीजिए, 2 महीने से भी कम डेट में अराउंड 56 डेज के अंदर उनका फोर्थ मूवी रिलीज हो रही है। तो सोचिए कैसे होगा उनकी कमबैक, लोग उन्हें इतना हॉल में ज्यादा देखते हैं, मतलब उनकी बहुत ज्यादा मूवी रिलीज होती है, इसलिए लोग परेशान है, क्यों लोग ये चाह रहे थे एक अच्छा सा खासा गैप रहे, लेकिन बिल्कुल 2025 में उनकी कोई भी गैप नहीं रह रही, एकदम जनवरी में, फिर मार्च में, फिर अप्रैल में, फिर जून में, पहले 6 महीने में उनका 4 मूवी रिलीज हो रही है। तो मैं पक्का हो चुका हूं कि अक्षय कुमार का करियर अब कोई नहीं बचा सकता, पूरा गटर में जाएगा, मतलब पकड़ के चलिए उनकी कैरियर खत्म, कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि पहले 6 महीने में किसी की अगर 4 मूवी रिलीज होती है तो उनकी द्वारा पॉसिबल नहीं है कमबैक करना। तो ये था मेरे राय अक्षय कुमार की अपकमिंग 4 मूवी के लिए, और मुझे लगता है कि उनके कमबैक पॉसिबल नहीं। तो आप लोगों का इस बारे में क्या राय है आप लोग मुझे कमेंट में बताइए। आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और नए नए अपडेट के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।